बीपीएससी प्राथमिक 1 से 5 के लिए सिर्फ डीएलएड वालों का ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 18 सितंबर से आप सभी का डीवी होने वाली है। क्या है मामला, मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। आपने देखा कि 1 से 5 के लिए बीएड के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। अब इस मामले में सिर्फ डीएलएड वालों को ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अब जो है सबसे बड़ी बात जो है, सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट आएगा तो क्या मेरिट जो बनने वाली है वो कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगी? क्या बीएड वालों के साथ डीएलएड का भी मेरिट लिस्ट बनेगी, मतलब डीएलएड और बीएड मिला के बनेगी क्या? और उसके बाद में जो है बीएड पर रोक लगा दिया जाएगा और डीएलएड वालों के लिया जाएगा, मतलब जो है सीटें बट जाएगी आधा आधे में, क्या ऐसा होगा? बहुत सारे बच्चे का कमेंट था और कन्फ्यूजन भी था, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो बीएड और डीएलएड के साथ दोनों को बनेगी या सिर्फ डीएलएड वालों के ही बनेगी पूरे की पूरी सीटों पर? तो ये जो है ये दिक्कतें हो रही है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अभी जो है यहाँ पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी से मांगा है सुझाव। अभी जो है इसका क्लियर कट मामला सामने नहीं आया है कि सिर्फ डीएलएड वाला पूरा का पूरा सीट के लिए है या बीएड के साथ मिलाकर है और डीएलएड का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, बीएड को पेंडिंग में रखा जाएगा, ऐसा है क्या? तो ये सभी के मामला जो है बहुत ही जल्द क्लियर होने वाली है। अब जो है ओएमआर का अंतिम रूप से हो रही है जाँच। अब जो है जाँच कम्प्लीट ही होने वाली है। आप लोगों का डीवी जो है 18 सितंबर से होने वाली है और रिजल्ट बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। 22 से 25 सितंबर तक प्राइमरी का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में जो है आपको पल पल की खबर मिलते रहेगी। आप लोग घबराए नहीं, इससे तो साफ क्लियर हो गया कि बीएड वाले जो है 1 से 5 के लिए एलिजिबल नहीं है, उसके रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। अभी जब तक संशय दूर नहीं हो जाता है तब तक बीएड वालों के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पीआरटी में बीएड वाले 1 से 5 से बाहर हो चुके हैं। जब बाहर हो चुके हैं तो यहाँ पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी द्वारा एक संयुक्त बैठक होगी और उसमें फैसला लिया जाएगा कि क्या है मामला, कैसे कैसे लेना है बहाली को। तो आपको एक सप्ताह के अंदर में जो है सभी चीज़ क्लियर तरीके से आपको पता चल जाएगी। इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, पल पल की खबर आपको मैं इस यूट्यूब चैनल के साथ देते रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। चलो लाइक कीजिए, किसी में डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस यूट्यूब चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए तो जुड़िएगा, सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।